मैं अनुराधा ध्यानी यूसर्क लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस लेक्चर का विषय है पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन उत्तराखंड वेजिटेशन। आजकल क्लाइमेट चेंज एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम सभी के लिए बना हुआ है और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नौटियाल हमारे बीच हैं। सर, इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालिए और इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अनुराधा, आजकल क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें जो IPCC जो है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पैनल की रिपोर्ट जो 3-4 साल पहले आई थी और उसके बाद अल गोर और हमारे पचौड़ी साहब को जो है नोबेल प्राइज इसमें मिला दिया गया, इसके बाद ये सारी दुनिया का एक अट्रैक्शन वर्ल्ड बन गया क्लाइमेट चेंज। जैसा कि हम सब लोग भी महसूस कर रहे हैं कि क्लाइमेट बहुत जल्दी बदल रहा है और इसमें जो बदलाव की गति है वो फास्ट है, चेंज की गति फास्ट है। जैसा कि पहले होता था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इतनी नहीं थी, हम लोग इतने सिविलाइज्ड नहीं थे, हमारी डिमांड्स इतनी नहीं थी, तब ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादातर नेचर पे डिपेंड रहता था और नेचर के साथ चलता था। इससे पहले कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा विस्तृत बात करें, हम बच्चों को ये बता देना चाहेंगे कि ये क्लाइमेट है क्या, ये जलवायु जो है वो क्या चीज़ है, क्या क्या इसके कारक हैं और इनका चेंज किस तरह से होता रहता है। तो जो जलवायु परिवर्तन है या अंग्रेजी में से क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसके मुख्य कारक हैं, सबसे पहला आता है तापक्रम, टेम्परेचर। तापक्रम, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमको ठंड लगती है या गर्मी लगती है, ये डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान कितना है। अगर बाहर 0 डिग्री है या हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे अगर कम है तो हमको ठंड महसूस होगी, और अगर टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का तो हमें गर्मी महसूस होती है। और ये खाली महसूस होने वाली बात नहीं है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी हैं उनका जीवित रहना या उनका सर्वाइवल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा निहित रहता है। और कई जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, ये कंट्रोल होती है टेम्परेचर से। दूसरा फैक्टर है लाइट का। हम सब जानते हैं आप लोग कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है, उसे एक तो गर्मी बनी रहती है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा कि पौधे सूर्य की गर्मी को या सूर्य की सोलर रेडिएशन को, सोलर एनर्जी को बायो एनर्जी में या आपके बायोमास में कन्वर्ट करते हैं, और उसी से जो है पूरा भोजन की व्यवस्था होती है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसको इसका जो है पूरा कंट्रोल और काफ़ी मात्रा तक इसका कंट्रोल जो है वो सोलर रेडिएशन से है या सूर्य के प्रकाश से है। इसे रात दिन भी जो है वो सूर्य के प्रकाश पे ही डिपेंड करता है, अगर सनलाइट है तो दिन है, नहीं है तो रात है। तो दूसरा फैक्टर जो है वो लाइट है। तीसरा फैक्टर जो है वो रेनफॉल है। रेनफॉल किसी भी स्थान की वेजिटेशन डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना रेनफॉल है, कितना साल भर में वहाँ पे बारिश होती है। हमारे उत्तराखंड में अच्छी बारिश होती है,
लगभग देहरादून में लगभग 200 mm पर ईयर रेनफॉल है, जो कि अच्छा रेनफॉल है माना जाता है। और हमारा जैसे नीचे आपका शिवालिक में जो साल फॉरेस्ट है, उसके बाद चेपाइन फॉरेस्ट है, फिर बांज का जंगल है, फिर टेम्परेट में जो है आपका टिम्बर लाइन आ जाती है 10,000 फीट पे, और उसके बाद एल्पाइन जोन आया है। एल्पाइन जोन जो है वो 15-16 हज़ार फीट तक है, जिसमें कि मोस्टली पेरिनियल ग्रासेस हैं और उसके बाद हब्स हैं, और उसके बाद आपका परमानेंट स्नो लाइन जो 16,000 फीट एंड अबव है। उसमें स्नो लाइन परमानेंट इसलिए कहते हैं कि उसमें जो है वो खाली बर्फ ही पड़ती है। तो तीन फैक्टर आपके मुख्य हुए, तापक्रम, लाइट, रेनफॉल। उसके बाद आता है आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी है। वो ह्यूमिडिटी जो है वो डिपेंड करता है रेनफॉल पे, स्नोफॉल पे, और उस जगह पे किस तरह के, अगर वहाँ पे वाटर सोर्सेज हैं तो वाटर वेपर्स की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो भी एक कंट्रोलिंग फैक्टर है जलवायु का। और जो पांचवा फैक्टर है वो है विंड, हवा। तो हवा भी अगर बहुत तेज चलती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जितने पेड़ पौधे हैं वो विंड की डायरेक्शन में टर्न कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर विंड है या कम विंड है, आजकल विंड को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, पर काफ़ी हद तक किसी स्थान या किसी वेजिटेशन का स्वरूप कैसा होगा उसकी विंड वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है। तो ये पांच मुख्य जलवायु के कारक हैं जो कि किसी स्थान की जलवायु को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड्स भी हैं। जलवायु, इनके बदलने से जलवायु में परिवर्तन आता है नेचर के हिसाब से। और एक जो बहुत मुख्य कारक है वो है नेचर का अपना जो सिस्टम है, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वी कांट स्टॉप चेंज। नेचर का जो नियम है वो प्रकृति का परिवर्तन है। हमारी जो पृथ्वी है, आप सब लोग जानते हैं कि लगभग 450 करोड़ साल पुराना इसको मानते हैं कि इसकी एज है, और इसमें लगभग कई तरह के परिवर्तन हुए हैं इस लंबी अवधि के दौरान। कई बार इसमें जो है वो आइस एज आई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6 बार आइस एज आई है, जबकि पूरी वेजिटेशन, पूरे प्लांट्स एनिमल सब नष्ट हो गए थे। फिर से जो है उसमें धीरे धीरे करके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, किसी वजह से जो आपकी रॉक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी तरह से रॉक्स का डिटोरेशन हुआ, उससे सीओ टू निकली, और फिर धीरे धीरे उसने जो है रेडिएशन एनर्जी को टैप किया, फिर स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है वो टेम्परेचर बढ़ा, चीज़ें जो है वो कंजीनियल हो गई, कंफर्टेबल हो गई एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रोब्स के डेवलपमेंट के लिए। फिर कई डेवलपमेंटल जो चेंजेज आए, कई विकास के कई आयाम आए, और इस तरह से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ। ऐसी बहुत सारी विकास की थ्योरीज हैं, पर ये जो है ये निश्चित है कि चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। सर, ग्लोबल वार्मिंग शब्द हमने बहुत बार सुना है, कृपया इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, पिछले कुछ दशकों में ये माना गया है कि भाई बहुत सारा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हुई हैं, और इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि लगभग पिछले 100 सालों में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है, बढ़ गया है टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उससे कई चीज़ें गबन होती हैं।
इवन 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज जो है वो वेजिटेशन में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, क्योंकि हर प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्पेशली प्लांट्स का जो है, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स को अपनी जगह पे ही रहना होता है, तो उनको जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है या उनकी सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कई एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर सकता है या बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, क्योंकि जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, उसके बाद अगर आधा डिग्री या 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पूरा मेटाबॉलिज्म शटडाउन हो सकता है। एक एंजाइम की एक्टिविटी यदि स्लो डाउन होती है तो वो पूरा जो चेन ऑफ रिएक्शंस है वो चेंज हो जाता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कहा गया है कि मोस्टली जो है वातावरण में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, और उसके मुख्य कारण आपके यही बताए जा रहे हैं कि भाई हम लोग कुकिंग में जो है वो फायर वुड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो है बहुत सारा कोयला जलाते हैं अपने थर्मल पावर प्लांट्स में, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है हाइड्रोकार्बन्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को अपने व्हीकल्स में, एरोप्लेन्स में। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि एक बोइंग को 1 घंटा चलाने के लिए लगभग 960 लीटर पेट्रोल चाहिए, सॉरी 9,600 लीटर के करीब पेट्रोल चाहिए, 9,600 लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रन अ बोइंग फॉर 1 आवर। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर दिल्ली से अमेरिका वो 15 घंटे या 14 घंटे ले रहा है तो कितना टन फ्यूल एक जहाज उड़ा रहा है, और इस तरह से हजारों प्लेन्स उड़ रहे हैं तो कितना जो है वो फ्यूल एज ए फॉसिल फ्यूल जो है वो यूज हो रहा है, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, ये तो फैक्ट है, पर वो कितना नुकसान करेगी ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगभग 60% वैज्ञानिकों का मानना है कि 60% जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है मीथेन और अन्य ऑर्गेनिक गैसें हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है जो गैसें हम अपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उनके यूज से भी जो है वो ये जो गैसें हैं वो निकल रही हैं, और ये इनको ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी है कि वो रेडिएशन एनर्जी को टैप कर लेती हैं और एक चादर सी पृथ्वी के ऊपर एक कवरिंग जो है एटमॉस्फेयर में बनाती हैं जिससे कि एनर्जी डिसिपेट नहीं हो पाती। आपने ग्रीन हाउस गैसेस को इस तरह से समझिए कि आप एक पॉली हाउस के अंदर या ग्लास हाउस के अंदर हैं तो उसमें जो है ऊष्मा ट्रैप हो जाती है। बाद में आपने देखा होगा कि आप जब ग्लास हाउस के अंदर हो और बाहर हो तो उसमें लगभग 4-5 डिग्री या कभी कभी इससे भी ज़्यादा का फर्क आपको लगेगा, और उसका उपयोग आजकल ग्रीन हाउसेस का हम कर रहे हैं दूसरे वे में, क्योंकि जहाँ कोल्ड डेजर्ट्स हैं वहाँ पर जो है विंटर्स में कोई ग्रीन वेजिटेबल नहीं होती या कोई क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, लेकिन ये जो सन एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं थ्रू ग्रीन हाउस, तो ग्लास हाउसेस या पॉली हाउसेस हाई एल्टीट्यूड पे बनाए गए हैं कई जगह, और उसके अंदर हम उस जो हीट है जो टेम्परेचर ज़्यादा उसके अंदर ट्रैप हो जाता है उसमें हम कई चीज़ें कई प्लांट्स ग्रो करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रीन वेजिटेबल फॉर हॉर्सेस हु आर स्टेइंग इन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड देयर इज नो सप्लाई ऑफ वेजिटेबल फॉर देम, सो दोज ग्रीन हाउसेस दे आर यूज्ड फॉर दैट पर्पज। सो ये है, ये जो मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और ये जो क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। सर, CO2 का स्तर जैसे आपने बताया कि अभी वातावरण में बहुत बढ़ रहा है, तो इसको हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग से हम जोड़ पाएंगे और इसका क्या क्या, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए क्या क्या इसका रोल है?
देखो लोग CO2 को बहुत अब्यूज़ करते हैं, और जो भी क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन आजकल वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं उसमें ये हमेशा ये मुद्दा रहता है, और ये डिक्टेट किया जाता है, या ये टर्म जो है डिक्टेट किया जाता है, फोर्स किया जाता है हर कंट्री को कि वो अपना कार्बन इमिशन लेवल कम करें। और ये जो है ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू है कि कैसे हम अपना कार्बन इमिशन लेवल कम करें। पर मैं थोड़ा सा इसके दूसरे पहलू पे जाना चाहूँगा। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो एम्बिएंट CO2 कंसंट्रेशन है वो हम लगभग 340 ppm से 370 या 80 ppm मैक्सिमम जो है वो माना जा रहा है, रिपोर्टेड है और माना जा रहा है, जो कि अभी ppm में है, अभी बहुत कम है। और दूसरा CO2 के दो बड़े महत्वपूर्ण हमारे यूजेज हैं। नंबर एक, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि CO2 की वजह से ही हम जिंदा हैं। जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब CO2 की वजह से जिंदा हैं। पहला कारण उसका ये है कि CO2 फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमको भोजन प्रदान कर रही है। तो CO2 अगर बढ़ती है किसी वजह से तो भोजन की जो CO2 का जो फोटोसिंथेसिस पे इम्पैक्ट है वो अच्छा आएगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, भोजन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, 6 बिलियन से अधिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो 6 बिलियन जो 6 अरब जनता है उसका पेट भरने के लिए आपको काफ़ी भोजन चाहिए। और सारे वैज्ञानिक अपने अपने फील्ड्स में लगे हैं कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि लैंड एरिया वी कांट इंक्रीज, दैट इज लिमिटेड, पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी इंक्रीज, सो देयर इज अ बिग चैलेंज बिफोर इंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी एज टू हाउ टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी। और इसमें CO2 बड़ा रोल अदा करती है। दूसरा जो है वो CO2 जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, या जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जो कि हमें कंफर्टेबल लगता है लेने में। देखिए नोबडी वुड लाइक टू स्टे इन अ चिलिंग टेम्परेचर, क्योंकि वो जो चिल्ड टेम्परेचर है, जो बहुत ठंडा टेम्परेचर है, उसमें हम सब लोग जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगती है, खासकर स्किन के टेम्परेचर को, क्योंकि स्किन डायरेक्ट एक्सपोजर रहता है एटमोसफेयर से, तो स्किन का टेम्परेचर लगातार गिरता रहेगा। उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी का जितना स्टोर फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। अगर नहीं होता टेम्परेचर, ऊर्जा नहीं है तो आदमी जो है वो मर जाएगा, अगर एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे बॉडी टेम्परेचर जाता है। तो ये जो दो CO2 के उपकार हैं वो हमें याद रखने चाहिए। एक तो भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमको दे रही है, दूसरा ये तापक्रम को कंफर्टेबल बना रही है सूर्य सन एनर्जी को ट्रैप करके। अब ये अलग बात है कि वो टेम्परेचर को लोग दुश्मन समझने लग गए हैं, पर मैं थोड़ा सा CO2 का और जो दो फिजियोलॉजिकल इसके पहलू हैं उसको मैं बताना चाहूँगा। नंबर एक, तो फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग CO2 कंसेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर। अभी भी जो C3 प्लांट्स हैं दे आर स्टार्विंग ऑफ CO2, दे रिक्वायर मोर एंड मोर CO2, क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वाइड हुए हैं और उसमें ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि 1000 ppm तक हमारा जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो CO2 के बढ़ने के साथ बढ़ेगा। उसके बाद क्योंकि और लिमिटिंग फैक्टर हैं, वाटर है, लाइट है और क्लोरोफिल है प्लस नाइट्रोजन सप्लाई है, पर 1000 ppm तक CO2 बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये इस्टेब्लिश हो चुका है।
और हम अभी 1000 ppm से बहुत नीचे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर लगातार भी CO2 जिस पेस से अभी बढ़ रही है उससे भी बढ़ती है, तो तब भी हमको 600 से 700 साल लगेंगे 1000 ppm तक आने में, जो कि बहुत लंबा समय है। तब तक हो सकता है बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, हमको हो सकता है का जो है फॉसिल फ्यूल बचे ही ना जलाने के लिए, या जो है कोयले के बजाय हम जो है ग्रीन एनर्जी इतना डेवलप कर दें कि हमको और इसकी ज़रूरत ही न पड़े कोयला जलाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो पॉसिबल है कि चेंजेस होंगे और नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, नई नई ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी। एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, देखिए प्लांट्स जो है वो इतना एनर्जी इन फॉर्म ऑफ बायोमास प्रोड्यूस करते हैं कि वो टोटल ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट के 10 गुना है। देखिए जो साइंस कहती है वो ये है कि 3×10^21 J इज द एनर्जी विच इज ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ बाय फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्टेड इंटू बायोमास। 3×10^21 J। हाउएवर द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज 3×10^20 J। दैट मीन्स द एनर्जी ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ बायोमास इज 10 times मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। बट वेयर वी आर लैगिंग, प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम जो जो भी फूड है या जो बायोमास है उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। देखिए जो बॉडीज हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे एनिमल्स हैं, वो तो डायरेक्ट जो है वो बायोमास को या फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए पुराना जो मेथड था, हल बैल से हल चलाते थे या बैलों से जो है वो रहर चलते थे, पानी आता था, या जो आज भी भैंसा गाड़ी घोड़ा गाड़ी में चलते हैं वो डायरेक्टली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को या सेलुलोज को या बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करके यूजेबल एनर्जी में यूज हो रहा है। लेकिन आज तो हमें काफ़ी स्पीड से एनर्जी चाहिए, इन द सेंस कि हमें मोटर गाड़ी चलानी है या हवाई जहाज चलाना है, उसमें जो है बहुत फास्ट का या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। उसके लिए अभी उस तरह की टेक्नोलॉजीज बायोमास को कन्वर्जन की नहीं हुई हैं। हालांकि बायोडीजल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जेट्रोपा कर्कस का आपने नाम सुना होगा, उस प्लांट से अभी बायोडीजल बन रहा है, लेकिन वो इतनी मात्रा में अभी नहीं है कि हम बहुत सारी गाड़ियाँ उसे चला सकें। अभी इथेनॉल पे काम हो रहा है, लेकिन उसका कंजम्पशन हम अपने ड्रिंक्स बनाने में, जो वाइन्स वगैरह हैं, अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं, उसको बनाने में काम में ला रहे हैं, पर उससे गाड़ियाँ भी चल सकती हैं, वो इट इज़ अ फ्यूल ऑल्सो। तो कि उसकी रिद्म जो है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसमें इरेटिक चेंजेस हम लोग अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो रेनफॉल है वो जो कि 10 दिन या 20 दिन में जितना टोटल रेन होना था वो एक ही दिन में हो जा रहा है कई बार, और उससे जो है डिजास्ट्रस कंडीशंस हो गई हैं। हमारा जो केदारनाथ ट्रेजेडी थी या और भी कई लैंडस्लाइड्स हैं, गंगोत्री वाला एरिया उत्तरकाशी में के कई हमारी घटनाएँ हैं, और कई पहाड़ों में जो बड़ी बड़ी डिजास्टर होती हैं फ्लड की वजह से और ये हाई रेनफॉल की वजह से, ये हमको फेस करनी पड़ती है, जिसमें जान माल का नुकसान भी होता है, हमारे जंगल भी खराब होते हैं, बह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी, पर जो वेजिटेशन है उसमें क्लाइमेट चेंज का जो लॉन्ग इम्पैक्ट है उसमें ये है कि जो टेम्परेचर सेंसिटिव स्पीसीज है अब वो ख़त्म हो सकती हैं। खैर एकदम विलुप्त तो मैं नहीं कहूँगा, पर यह है कि उनकी पॉपुलेशन में फर्क आ सकता है, पॉपुलेशन कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। जैसे हमने देखा अब इन्वेसिव स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि वो लाइट लविंग है और जहाँ लाइट ज़्यादा है वहाँ लेंटाना खूब आ जाता है। तो उस तरह के वेजिटेशनल चेंज पॉसिबल है।
सर, अभी आपने क्लाइमेट चेंज के नकारात्मक जो भी प्रभाव पड़े हैं उसकी चर्चा की है, तो अब इस क्लाइमेट चेंज के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या-क्या हम कारगर कदम उठा सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन तो सारे वैज्ञानिकों के आगे है कि हम क्या करें जिससे कि हम इस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएं। तो उसके लिए जैसे CO2 को कम करना है तो ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग हो। फास्ट ग्रोइंग होंगे तो जल्दी से जल्दी वो CO2 को बायोमास में कन्वर्ट करेंगे। इससे बायोमास भी हमारे पास रहेगा ज़्यादा, क्योंकि बायोमास से ही जितनी चीज़ें हमारी गुड्स जो हमें मिलती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इकोसिस्टम से, वो बायोमास पे ही डिपेंड करती हैं। क्योंकि बायोमास बढ़ेगा तो टिम्बर बढ़ेगा, फ्यूल वुड बढ़ेगा, लीफ बढ़ेगी, फ्रूट बढ़ेंगे, सीड बढ़ेगा, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। तो बायोमास कन्वर्जन जो स्पेसीज करती हैं, इसीलिए हम जितना भी एग्रो फॉरेस्ट्री में आजकल क्लोनिंग कर रहे हैं या जो हाई यील्डिंग फास्ट ग्रोइंग स्पेसीज को एनर्जी प्लांटेशन में लगा रहे हैं, उसमें यही है कि हम ये देखते हैं उसमें बैम्बूज भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ऐसा प्लांटेशन करें जिसमें कि ग्रोथ फास्ट हो, स्पीडली हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है CO2 का कन्वर्जन हो जाए बायोमास में। दूसरा ये है कि जो वाटर यूज इफिशियंसी जिन प्लांट्स की ज़्यादा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इकलिप्टस है। इकलिप्टस जो है उसको अगर आप पानी अच्छा देंगे, हमने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसमें देखा है कि इकलिप्टस का बिहेवियर दोनों तरह का है। अगर पानी की लग्जरी है, अच्छा सॉइल मॉइस्चर है या ज़्यादा वाटर लॉग कंडीशन है तो ये पानी को खूब बढ़ाएगा, लेकिन अगर ड्राई कंडीशन है तो ये वाटर इकोनॉमी में भी ये प्रजाति बहुत आगे है। तो दोनों इस तरह की प्रजातियां हमें ढूंढनी होंगी जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सकें। और अब ये बहुत जरूरी है हमारे वैज्ञानिकों को इस एरिया में काम करना कि हम ऐसी प्रजातियां डेवलप करें या ऐसी प्रजातियों की स्क्रीन करें या देखें जो कि वाटर डिफिसिट कंडीशंस में भी और वाटर लॉगिंग कंडीशंस में भी अच्छी ग्रो हो। वाटर डिफिशियंसी जो झेल सके, वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस जिसमें ज़्यादा हो, ऐसे स्पीशीज को, ऐसे जीनोटाइप्स को हमें सेलेक्ट करना होगा, या ऐसे जीनोटाइप्स को भी हमें सेलेक्ट करना होगा जो वाटर लॉगिंग कंडीशन में अच्छे हो सके। तो अब हमें प्लांट इम्प्रूवमेंट पे या जेनेटिक्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लाइमेट को, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको चेंज करना या उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसीज चल सके उनका सेलेक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए उससे यह है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को सिंपल करें। हम जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, हर आदमी ये सोच रहा है कि और उसमें क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा हमारी डिमांड्स होंगी, पर्टिकुलरली एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उतना ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होंगी, उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और उससे उतना ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमें अपने जीवन को सादा रखें। अगर हम घर में चार गाड़ी के बजाय एक ही गाड़ी हो तो क्या बुरा है, अगर बड़ी गाड़ी के बजाय छोटी गाड़ी में चले तो क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर लोकली चलना है तो बड़ी गाड़ी ज़्यादा तेल फूकेगी, तो ये जेब तो खर्चा करेगी, जेब खाली तो करेगी, साथ ही साथ जो है पेट्रोल डीजल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा यूज होगा, उससे ज़्यादा CO2 जो है रिलीज होगी, और भी जो गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो जो है वातावरण में मिलेंगे। तो सादा जीवन हमें जीना चाहिए की तरफ प्रेरित होना चाहिए। दूसरा ये है कि भाई एनर्जी का जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो किफायत अगर हमें हम कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार मैंने ये देखा है कि हमारे देश में, मैंने पाया है कई बार हम ट्रेन्स में जाते हैं
वो एसी अगर चला रहे हैं तो टेम्परेचर इतना डाउन कर देंगे कि लोग ठंड से कांपने लगेंगे। भाई हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे ज्यादा तुम 28 पे रखो, 26 पे रखो, अगर आपने 16 कर दिया तो कितना लोगों का जो है एनर्जी वेस्ट जो है वो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगेगा, वो जो है फिर ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें, चाइना इसमें बहुत ध्यान देता है, उन्होंने अपने यहाँ ये रूल कर दिया है कि ऐसी एसी नहीं बनेंगे जो कि टेम्परेचर जिसमें 24 या 26 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आप ला सको। तो उससे क्या होगा कि इससे बिलो जाएगा ही नहीं, जब उसमें मशीन में इससे नीचे लाने की प्रोविजन ही नहीं है। तो इस तरह की अगर चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर ये क्यूमुलेटिव वे में इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट आता है। तो ये क्लाइमेट चेंज का अभी बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इशू जरूर इम्पोर्टेंट है, पर अभी हमारे पास चूंकि बहुत ज्यादा बेस डेटा है नहीं कंपेयर करने के लिए, हम कंपेयर किससे करें, हम कहें कि भाई वार्मिंग हो रही है या बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो पिछले रिकॉर्ड्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो खाली एक अभी बेस डेटा है समझो, तो बेस डेटा पे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है या कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, यूरोपियन वैज्ञानिक, कि हम वार्मिंग के बजाय कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 2005 से जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो इसमें जो है अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उसमें ये जरूर लगता है कि जो क्लाइमेट है उसमें बड़े इरेटिक चेंजेस हो रहे हैं, और जो एक रिद्म था वो चेंज हो रहा है, वो बड़ा फास्ट चेंज हो रहा है, ड्रेस्टिक उसमें चेंज आ रहे हैं। और इसकी वजह से अगर ड्राउट होता है या पानी ज़्यादा बरसता है या सूखा पड़ता है, उसे और बीमारियां आ सकती हैं, उसे और चीज़ें जो है हो सकती हैं, और उससे कई स्पीसीज प्रजातियां हमारी विलुप्त तो हो सकती है या उनका पॉपुलेशन चेंज हो सकता है। सर, आज आपने क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दे पर आज बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को प्रदान की है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से नई लेक्चर के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।